हेलो क्लास फाइव. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अवर लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, ऑब्जर्विंग द स्काई. सो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ऑब्जर्वली यूजुअली डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे. डे टाइम में हमें स्टार्स दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो एक बहुत सिंपल सा इसका रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पर कौन ब्राइट है? सन ब्राइट है, उसकी ब्राइटनेस के पीछे वो छिप जाते हैं. सिंपल. सो वी डू नॉट यूजुअली सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सन. ओके, नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई आर वी लाइकली टू फाइंड वीनस व्हेन इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार. जब आपको इवनिंग स्टार की तरह वो दिखाई दे रहा है वीनस, तो वो कौन से स्काई में कहाँ पर दिखाई देगा? तो हमें पता है कि कहाँ दिखता है वीनस. कैन बी सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन. हॉरिजन जहाँ पर हमें बहुत दूर, जब हम छत से खड़े होकर देखें बहुत दूर, जहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि स्काई और अर्थ मिल रहे हैं, ठीक है ना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन, ठीक है ना. तो हॉरिजन पर बहुत नीचे की तरफ हमें वीनस दिखाई देगा. नेक्स्ट देखिए, स्टेट द कॉज ऑफ अपेरेंट मोशन ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो मोशन ऑफ सन है, सन हमें ईस्ट से निकलते हुए और वेस्ट में छिपते हुए दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना. सो हमें सन किस डायरेक्शन में? उल्टा. और स्टार्स भी हमें उल्टी डायरेक्शन में मूव होते हुए ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेम अ स्पेशल स्टार इन नॉर्दर्न हेमोस्फियर. एक स्पेशल स्टार नॉर्दर्न हेमोस्फियर में कौन है, उसका नाम हमें बताना है. एंड व्हाई इट हैज़ बीन यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स. और वो ट्रैवलर्स के लिए इतना यूजफुल क्यों रहा पहले के टाइम पे, ठीक है ना. तो क्यों रहा, देखिए, द स्पेशल स्टार इज पोल स्टार, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं. पोल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमोस्फियर में है और स्पेशल है. क्यों है वो स्पेशल? इट हैज़ बीन यूज बाय ट्रैवलर्स. क्यों? क्योंकि वो किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है? नॉर्थ की तरफ. और उसकी जो पोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन के कंपेरिजन में. दैट इज़ वाई इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट वन, द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. लुक, डिफाइन द टर्म कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन हमने डिफाइन करना है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है. तो कॉन्स्टलेशन क्या है? अ विजिबल पैटर्न और शेप फॉर्म्ड बाय स्टार्स इन स्काई इज नोन एज कॉन्स्टलेशन. एक कोई भी विजिबल पैटर्न या शेप जो हम रिकोगनाइज कर सकें, जिसे हम पहचान सकें स्काई में स्टार से बना हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स. अभी अभी हमने बात की, पोल स्टार दूसरे स्टार से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पोल स्टार की जो पोजिशन है वो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. इट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड इन एट वन प्लेस, ठीक है ना. सो इसीलिए वो क्या है? स्पेशल है. और वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. नेक्स्ट, राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार. प्लैनेट और स्टार के बीच में डिफरेंसेस हमने बताने हैं. सो देखिए, फर्स्ट वन इज प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल. सबसे पहला तो सबसे ईजी यही है, ठीक है. नेक्स्ट इज द अनदर वन, प्लैनेट इज क्लोजर टू अस, ठीक है ना, एंड दे अपीयर एज डिस्क, स्मॉल डिस्क की तरह हमें दिखाई देते हैं. लेकिन जो आपके स्टार्स हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो दे अपीयर एज टाइनी डॉट्स. वो डॉट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं, पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं. तो दो ही डिफरेंस बताना है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू स्टार्स अपीयर, सॉरी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजिशन इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में जो स्टार्स हैं उनकी पोजिशन स्लाइटली चेंज क्यों होती है, ठीक है ना. तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड ऑल्सो ड्यू टू द रिवोल्यूशन, दोनों ही वजह से होती है, ठीक है. देखिए,
जब अर्थ मूव करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो हमें स्टार्स मूव करते हुए लगेंगे कि वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो इसीलिए उनकी पोजीशन हल्का सा शिफ्ट हो जाती है. ओके, नाउ दे विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई डू स्टार्स अपीयर एज पॉइंट टू अस? स्टार्स हमें पॉइंट्स के जैसे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, और जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतनी हमें छोटी दिखती है. तो इसीलिए स्टार्स हमें पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं. सो विद दिस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर आर कम्प्लीटेड. एंड नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो. एंड गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.